हम आगे देखते हैं। अब प्यारे बच्चों, फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में आपकी बुक पे मौजूद नहीं था, मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स की बात हो रही थी आपकी बुक पे, क्योंकि इनकी डेफिनेशंस के अंदर फ्लावरिंग प्लांट्स की बात हुई है। किसकी बात हुई है? फ्लावरिंग प्लांट्स। तो बेटा, अगर आपको फ्लावरिंग प्लांट्स का पता ही नहीं है तो क्या आप मोनोकॉट्स को समझ सकते हो? तो लिहाजा मैंने ये दो डेफिनेशंस आपकी समझ के लिए यहां डाल दी है कि प्लांट्स विद फ्लावर्स, प्लांट्स पौधे विद फ्लावर्स, जो फूलों वाले होते हैं, फूलदार पौधे, फूलों वाले पौधे, वो पौधे जिनके साथ फूल होते हैं, आर कॉल्ड कहलाते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स। कौन से प्लांट्स? फूलदार पौधे। ठीक है, एग्जांपल्स इनकी मिसालें क्या है? रोज, गुलाब देखा कभी? फूल लगते हैं ना गुलाब के ऊपर। सनफ्लावर, सूरजमुखी देखा है कभी? उसके ऊपर भी बड़े बड़े फूल लगते हैं। लिली, ठीक है, ये एक व्हाइट कलर का फूल होता है, मैं आपको लिली भी दिखा देता हूँ। ये व्हाइट कलर के फूल और ये रेड कलर के भी, ये देख, मिला जुला कलर है, ठीक है, ये लिली है, ये लिली है, ठीक हो गया। अब उसके बाद हम देखते हैं कि दूसरा मैंने क्या लिखा हुआ है, जैस्मिन, इसे कहते हैं चंबेली। चंबेली ये पाकिस्तान का क्या है? कौमी फूल है, ये नेशनल फ्लावर है पाकिस्तान का, इसलिए इसको गौर से देख लो, इसकी खुशबू बहुत मजे की होती है और बड़ी इसकी अच्छी खुशबू होती है। देख रहे हो, ये फूल है चंबेली के, ये समझ आया कि नहीं आया? और ये पाकिस्तान का नेशनल फ्लावर है, कोई मसला किसी को? तो सनफ्लावर भी कहते हो, तो वो भी आपको जरा थोड़ा सा दिखा देता हूँ ताकि आपका दिल जो है ना वो मुतमईन हो जाए। तो बेटा ये है सनफ्लावर, इससे इससे तेल भी निकलता है, सूरजमुखी का तेल होता है जो खाना पकाने में इस्तेमाल होता है। वेरी गुड, शाबाश, ये समझ आ गया सबको, बड़े बड़े पौधे होते हैं, ठीक है जी। तो ये सनफ्लावर मैंने आपको दिखा दिया, और रोज तो यार आप आते जाते देखते हो, नहीं तो मैं उसको भी दिखा देता हूँ आपको। गुलाब तो आप सबने देखा होगा, गुलाब का फूल तो बहुत ज्यादा मशहूर फूल है, ठीक है, हमारी तो बार कैरी में भी लगे हुए थे यहाँ पे। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। एक होते हैं बेटा नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, इन्हें कहते हैं बेफूल पौधे। नॉन फ्लावरिंग का मतलब बेफूल, जिनको फूल नहीं लगते। तो प्लांट्स विदाउट फ्लावर, बगैर, विदाउट का मतलब होता है बगैर, तो प्लांट्स विदाउट फ्लावर्स, बगैर फूलों के जो पौधे होते हैं, और कॉल्ड कहलाते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, हम उन्हें बेफूल पौधे कहते हैं। उनकी मिसालें क्या? फर्न्स, पाइन, रेडवुड ट्रीज, ये देखें, अब आपको दिखाऊं फर्न और पाइन्स दिखाऊं, देख रहे हैं, ये फर्न है ये, और ये आपके पाइन के ट्री, चीड़ के दरख्त आपने देखे होंगे मई वाली साइड में, ठीक है, ये कश्मीर वाली तरफ ये काफी ज्यादा होते हैं चीड़ के दरख्त, ठीक हो गया, सबको समझ आ रहा है ना मेरी बात? अच्छा, अब मैं आपको जरा रेडवुड ट्रीज भी दिखा दूं, ये बहुत बड़े बड़े पौधे होते हैं रेडवुड ट्रीज, ठीक है, ये बहुत बड़े बड़े पौधे होते हैं, बहुत मोटे मोटे होते हैं, रेडवुड ट्रीज इन्हें कहते हैं, ठीक है, इनके ऊपर भी, इनके ऊपर भी फूल नहीं लगते, और चीड़ के दरख्त पे कोने लगती हैं, पता है ना आपको कौन से लगती हैं। तो ये बेटा मैंने आपको फर्न भी दिखा दिए और पाइन भी दिखा दिए, और फ्लावरिंग प्लांट्स की ये एग्जांपल भी आपके सामने मौजूद है। प्रॉब्लम किसी को? क्लियर हो गया ना सबको? समझ आता है कि नहीं आता? आता है। अच्छा जी, तो अब हमने जब देख लिया नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स का होता है, रेडवुड ट्री भी मैंने आपको दिखा दिया, पाइन भी दिखा दिया, फर्न्स भी दिखा दिए, ठीक हो गया। तो अब हम आगे देखते हैं मोनोकॉट्स क्या होते हैं। तो बेटा अब डेफिनेशन सही हो सकती है कि द फ्लावरिंग प्लांट्स, तो पहली बात तो ये है कि जो आपके मोनोकॉट प्लांट्स हैं, ये सारे के सारे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, हूज सीड्स हैव वन कॉटिलेडन, जिनके, हूज का मतलब जिनके, सीड्स का मतलब बीज, हैव रखते हैं वन कॉटिलेडन, एक डाला, जैसे मैंने आपको बताया ना मकई एक ही डाला होता है, चावल एक ही डाला होता है, वीट जिसे गंदुम कहते हैं एक ही डाला होता है, और कॉर्ड कहलाते हैं मोनोकॉट्स, हम क्या कहते हैं? मोनोकॉट्स कहते हैं। शुगर कैन को जानते हो? नहीं जानते? गन्ना जूस पीते हो? गन्ने का नहीं पीते? गन्ना जो है ये किस में आता है? मोनोकॉट्स में आता है। वीट, गंदुम खाते हो? गंदुम नहीं खाते? किस में आती है? किस में आती है? मोनोकॉट्स में आती है। राइस, चावल मोनोकॉट्स है। बैम्बू, बैम्बू क्या होता है? बांस, बांस देखा कभी? और सीढ़ी बनी हुई होती है बांस की, यार अब आप सबको समझ आ गई मेरी बात। ये बैम्बू है, ये है बैम्बू, ठीक है ठीक है ठीक है बेटा, बैठो तो सही, सुनो तो सही यार, ठीक है, तो ये बैम्बू है,
ठीक हो गया। इसकी सीढ़ियां बनती हैं, बावकात इसके जरिए से वो बहुत सारी चीजें बनती हैं। हाँ जी, और ये गन्ना आप सबको नजर आ रहा होगा, वो मजे का मीठा इसका जूस होता है, ठीक है। मेज मकई कहते हैं, छलियां लगी हुई है इसके साथ, ये छली लगी हुई है, ठीक हो गया ना, समझ आ गया। अगर नहीं याद है दोबारा पूछ लो। ये आपको कुछ एग्जाम्पल मैंने बता दी है, डेफिनेशन याद करनी है और मिसालें देनी है, ठीक है। अब ये आपको मैंने यहाँ पे भी दिखा दिया। अब डाई का मतलब दो, और कॉट का मतलब डाले, कॉट का मतलब डाले। तो फ्लावरिंग प्लांट्स वही फूलदार पौधे हूज सीड हैव टू कॉटिलेडंस, जिसके अंदर कितने कॉटिलेडंस हो, दो कॉटिलेडंस हो, दो डाले हो, आर कॉल्ड डाई कॉट्स, हमने दो डाले पौधे कहते हैं। एग्जाम्पल्स क्या, मैंगो। अब कभी आपने देखा होगा, अगर आप जो आम का बीज होता है, ठीक है, उसकी गुठली उसे तोड़े ना, उसकी जो बार जो अंदर उसके उसको उसके ऊपर से खाल को उतार के अंदर से बीज निकाले, तो उसके दो डाले होते हैं, ठीक है, टू कॉटिलेडंस, ठीक है। घावा, घावा क्या है, अमरूद। अब आप कहते हैं अमरूद का तो बीज हम तोड़ नहीं सकते, सख्त होता है, ठीक है। अब इसकी खसूसियात जो मिलती है ना घावा की, ये बेटा डाई कॉटिलेडन से मिलती है। आप बेशक उसका बीज ना तोड़ सकें, लेकिन इसकी खसूसियात किससे मिलती है, डाई कॉटिलेडन वाले पौधों से मिलती है। रोज, गुलाब का फूल, पी मटर, ये सारे क्या है, डाई कॉटिलेडन से मिलते हैं, ठीक है, समझ आ गया। इनके बीज के अंदर दो डाले होते हैं और इन्हें हम डाई कॉट्स भी कहते हैं, नजर आ रहा है। ये पी मटर को कहते हैं, रोज कैसे कहते हैं, गुलाब को कहते हैं, और मैंगो आम को कहते हैं। समझे हो कि नहीं समझे। अब बेटा एक चीज तो आपको आपकी बुक पे यहाँ पे दिखाई जा रही है, जरा कुछ थोड़ी सी मेरी भी सुन लो, जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ उसको गौर से देख लें, ठीक है। ये देखो, पुरानी बुक पे फ्लावरिंग प्लांट्स भी होते थे, जिन्हें कोनीफर्स भी कहते थे, और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स भी होते थे। समझ आ रही है कुछ, ये नहीं आ रहा। ये बेटा बड़ा खूबसूरत सा है, एक ना, सुन रहे हो, सुन रहे हो नहीं सुन रहे, बड़ा अच्छा एक टेबल बना हुआ है, आप सबको स्क्रीन पे नजर भी आ रहा है और रिकॉर्ड भी हो गया। तो ये बेटा को बंदा आपसे पूछ ले, मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स में क्या फर्क है। मोनोकॉट्स में एक डाला होता है, वन कॉटिलेडन होता है, और जो डाइकॉट्स में कितने डाले होते हैं, दो डाले। अब जो मोनोकॉट्स होते हैं ना बेटा, उनके जो पत्ते होते हैं ना, उनके अंदर जो वेन्स होती हैं, कभी पत्ता देखो तो उसके अंदर, जैसे अभी देखो हमारे हाथ में भी वेन्स आपको नजर आती होंगी, पत्ता आप देखो तो पत्ते के अंदर भी क्या होती हैं, वेन्स होती हैं, बनी हुई होती है, नहीं होती। तो जो 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 मोनोकॉट्स के पत्ते होते हैं उनके अंदर वेन्स पैरेलल होती है, क्या होती है, वेन्स क्या होती है, पैरेलल होती है। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, ये देख रहे हो, अब ये दो पत्ते आप सबको नजर आ रहे होंगे, इसके अंदर देखो सारी वेन्स एक ही तरफ जा रही है, ऐसा ही है ना, ये देखो इसके अंदर सारी वेन्स पैरेलल हैं, एक दूसरे के साथ सीधी जा रही है आगे की तरफ। और ये देखो इस पत्ते में क्या है, जाल बना हुआ है, ऐसा ही है ना, जालीदार है, ऐसा है या नहीं है। तो ये जो पत्ता है ये डाइकॉट का, भाई बोलते नहीं है एक आप यार, ये देखो ये पैरेलल वेन्स है, ये मोनोकॉट का पत्ता है, और ये क्या है, ये नेटवर्क लाइक वेन्स है, ये बेटा किसका पत्ता है, ये डाइकॉट का पत्ता है। समझ आया नहीं आया, क्लियर हो गया। ये पत्तों में आप फर्क कर सकते हैं। अब यही बात आपके यहाँ पे लिखी हुई थी कि लीफ वेन्स जो पत्ते की वेन्स होती हैं, जो नालियां होती हैं, फॉर्म ए पैरेलल पैटर्न, ये एक दूसरे के मुतवाजी होती हैं, तवाजुन में जा रही होती हैं, एक ही तरफ में जा रही होती हैं, ठीक हो गया। ये मोनोकॉट के पत्ते की क्या है, खसूसियत है। और जो डाइकॉट का पत्ता होता है, लीफ वेन्स फॉर्म ए नेट पैटर्न, ठीक है, वो क्या बनाती है, एक जाल बनाती है, क्या बनाती है, एक जालीदार पैटर्न बनाती है। समझ आया कि नहीं आया। अब इधर यहाँ एक और चीज देख लो, सुन रहे हो नहीं सुन रहे। अब यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं, लीफ वेन्स ऑफ मोनोकॉट्स फॉर्म ए पैरेलल पैटर्न, और लीफ वेन्स ऑफ डाइकॉट्स फॉर्म ए नेट पैटर्न। और यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, गौर से सुनना, फ्लावर, सुन रहे हो, ये जो मोनोकॉट के फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर पार्ट्स इन थ्री आर मल्टीपल्स ऑफ थ्री, ये जो फूल होता है ना किसका, मोनोकॉट का, किसका, मोनोकॉट का जो फूल होता है, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, उसकी जो पत्तियां होती है ना, वो या तो तीन होती हैं, या तीन का कोई मल्टीपल, तीन के टेबल में तीन, तीन दूनी छह, है तीन तीन नौ, ऐसे होता नहीं होता। तो ये पत्तियां देख लो, इनकी या तो तीन पत्तियां होती हैं, या तीन के मल्टी, छह होती हैं, नौ होती हैं, समझ आया नहीं है। और जो डाइकॉट्स होते हैं, उनकी जो पत्तियां होती हैं फूल की, सुन रहे हो, ये फ्लावर पार्ट्स आर इन थ्रीज आर मल्टीपल्स ऑफ थ्री, और उसके बाद फ्लावर पार्ट्स इन फोर आर फाइव, इनकी जो पत्तियां होती हैं या तो चार होती हैं, या चार का, चार या पांच, या चार और पांच के टेबल में आती हैं,
जैसे चार दुनिया आठ होता है ना, और पांच दुनिया दस, दस पत्तियां हो सकती हैं, आठ पत्तियां हो सकती हैं, पांच हो सकती हैं या चार हो सकती हैं। बात समझ आई है नहीं आई? अब आगे बेटा लास्ट में क्या दे रहे हैं, उनकी एग्जांपल दे रहे हैं, मेज ग्रास राइस एंड शुगर कैन, ये सारे मोनोकॉट्स हैं। समझ आया? और मेज का मैंने बता दिया हुआ आपको कि मकई होती है, छलियां होती हैं, ग्रास घास को कहते हैं, राइस चावल को कहते हैं, शुगर कैन किसे कहते हैं, गन्ने को, और टोमेटो किसे कहते हैं, टमाटर को, रोज गुलाब को, एप्पल सेब को, ग्राम चनों को, एंड बीन और ये लोबियो को कहते हैं। समझ आया? तो ये चार्ट आपको अगर अच्छे तरीके से समझ आ गया तो आपका मसला नहीं रहा आपके लिए समझने में। चले आगे भाई, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? अगर समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको सारा कुछ दोबारा समझा सकता हूँ। अब ये एक्टिविटी मैंने यहाँ से कॉपी की है और वहां मैंने पेस्ट कर दिया स्लाइड के ऊपर। क्या कह रहे हैं कि ऑब्जर्व द लीव्स ऑफ मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट प्लांट्स। क्या करें जी, पत्तों पत्तों को देखें गौर से। क्या करें? पत्तों को देखें। किसके? मोनोकॉट्स के पत्ते को देखें और डाइकॉट के पत्ते को देखें, जो कि मैं आपको प्रीवियस स्लाइड पे दिखा चुका हूँ। ये देखें, ये मोनोकॉट का पत्ता है जिसमें पैरेलल वेन्स आ रही हैं, और ये डाइकॉट का पत्ता है जिसमें नेटवर्क लाइक पैटर्न बना हुआ है। ठीक हो गया? समझ आया नहीं है? आप मोनोकॉट का एक पत्ता ले आए और डाइकॉट का एक पत्ता ले आए और उनको चेक करें, व्हाट इज द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स, जो वेन्स उसके अंदर है उनकी क्या तरतीब है इन दीज लीव्स, इन पत्तों के अंदर। तो अब ये यहाँ जवाब भी दे रहे हैं, इन द लीव्स ऑफ मोनोकॉट प्लांट, जो मोनोकॉट प्लांट्स होते हैं, जो यकदाले पौधे होते हैं, द वेन्स आर पैरेलल टू वन अनदर। समझ आ गया? ये वेन्स क्या होती है? एक दूसरे के मुतवाजी होती हैं, एक ही सिम्त में जा रही होती हैं। द लीव्स ऑफ डाइकॉट प्लांट्स हैव वेन्स इन द फॉर्म ऑफ ए नेट। उनके जो वेन्स होते हैं डाइकॉट्स की, वो किसकी शक्ल में होती है? नेट की शक्ल में, मतलब एक जाल की शक्ल में होती है। द स्मॉल लीव्स ऑफ ए फ्लावर आर कॉल्ड फ्लोरल लीव्स। ये जो फूल की पत्तियां होती हैं ना, क्या कह रहा हूं मैं, ये जो फूल की पत्तियां होती हैं ना, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो पत्तियां आपको कलर्ड पार्ट नजर आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं सबको? नहीं आ रहे? ये व्हाइट है, ये देखो येलो है। इन कलर्ड जो आपके लीव्स हैं, इनको पेटल्स भी कहते हैं और फ्लोरल लीव्स भी कहते हैं। अब भाई बात समझ आ रही है? नहीं आ रही? ये याद कर लेना, कोई बंदा पूछ ले फ्लोरल लीव्स क्या होते हैं, जो फ्लावर के लीव्स होते हैं, तो क्या कहना है, द स्मॉल लीव्स, छोटे छोटे जो पत्ते होते हैं जिनको हम पत्तियां कहते हैं, आप ए फ्लावर, एक फूल की, आर कॉल्ड कहलाती हैं फ्लोरल लीव्स, उन्हें फ्लोरल लीव्स कहा जाता है या पेटल्स भी कहा जाता है। प्रॉब्लम किसी को? ये मैं आपसे पूछ सकता हूँ फ्लोरल लीव्स क्या होते हैं, व्हाट आर फ्लोरल लीव्स, तो बताना मुझे। टेक फ्लावर्स ऑफ सम मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स, पहले पत्तों की बात कर ली है, अब बात करेंगे किसकी, फ्लावर्स की। तो फ्लावर्स ऑफ सम मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट प्लांट्स, ठीक है, इनको ले लो। टेक फ्लावर्स, ले लो कुछ फूल ऑफ सम मोनोकॉट्स, कुछ मोनोकॉट्स के, एंड डाइकॉट प्लांट्स और डाइकॉट प्लांट्स के, एंड काउंट द नंबर ऑफ फ्लोरल लीव्स और पेटल लीव्स। सुन रहे हो? उनकी पेटल्स को काउंट करें, उनको गिने कितनी है, ठीक है। नंबर कहते हैं तादाद को, आप फ्लोरल लीव्स या फूल की पत्तियों की तादाद को गिने। अब यहां से आपको जवाब दे रहे हैं, द नंबर ऑफ फ्लोरल लीव्स आर पेटल्स इन द फ्लावर ऑफ मोनोकॉट्स इज थ्री आर मल्टीपल्स ऑफ थ्री। अब बात समझ आ गई? द नंबर ऑफ पेटल्स इन द फ्लावर ऑफ मोनोकॉट इज थ्री आर मल्टीपल्स ऑफ थ्री। द नंबर ऑफ फ्लोरल लीव्स आर पेटल्स इन द फ्लावर ऑफ डाइकॉट, जो डाइकॉट प्लांट्स हैं उनके फूल के अंदर जो पत्तियां होती हैं वो कितनी होती हैं, दे आर यूजली फाइव, या तो पांच होती हैं, आर फोर, या फोर चार होती हैं, आर दियर मल्टीपल्स या उनके टेबल में आ रही होती हैं। अब देखो फोर का टेबल कहाँ जाता है, तो फोर के टेबल के अंदर ही पत्तियां आएंगी या फाइव के टेबल में पत्तियां आएंगी। ठीक हो गया? ये बेटा आपको टेबल बना दी है, आप यहाँ से इनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। द फॉलोइंग आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन द मोनोकॉट प्लांट्स एंड डाइकॉट प्लांट्स। सीड में क्या, इसका क्या होता है, वन कोटिलेडन होता है इसके सीड में, उसके दो होते हैं, नजर आइए, लोबी का एक बीज है, ठीक है। लीफ ये नेट लाइक, ये मोनोकॉट है तो इनकी क्या होती है, पैरेलल वेन्स होती है। यहाँ से ही नहीं दिखा रहे आपको, इनकी वेन्स क्या होती है, पैरेलल होती है, और इनकी क्या होती है, नेट लाइक पैटर्न होता है, ठीक है। और फ्लोरल पेटल्स क्या होती हैं जी, जो मोनोकॉट्स होते हैं उसके फूल के अंदर, उसके फ्लावर के अंदर जो नंबर ऑफ पेटल्स होती हैं, दे आर थ्री आर मल्टीपल्स ऑफ थ्री, एंड द नंबर ऑफ पेटल्स इन द फ्लावर्स ऑफ डाइकॉट्स आर फोर आर फाइव आर दियर मल्टीपल्स, या ये चार होगी या पांच होगी या उन दोनों के टेबल्स में आएंगी। प्रॉब्लम किसी को? भाई बात समझे हो नहीं समझे? अच्छा जी, अब आपके लिए एक और एक्टिविटी दे दी है, कहते हैं पेस्ट लीव्स ऑफ मोनोकॉट एंड डाइकॉट प्लांट्स इन योर स्क्रैप बुक। अब ये स्क्रैप बुक क्या होती है, ये बेटा इसको हम ड्राइंग बुक भी कहते हैं, कुछ बच्चे का करते हैं, ये बिल्कुल जो आपके होते हैं ना वाइट पेजेस, वाइट पेजेस से बनी हुई एक बुक होती है जिसके ऊपर आप डिफरेंट सॉर्ट ऑफ पिक्चर्स को लगाते हो। तो क्या करना है, आपने
पत्ते लेने हैं मोनोकॉट्स के भी और डाइकॉट्स के भी और अपनी कॉपी के ऊपर उनको चिपकाना है, उनको चिपकाना है। पेस्ट ड्राइड एंड प्रिजर्व्ड फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स इन योर स्क्रैप बुक। अब आपने क्या करना है, कुछ पौधे लेने हैं जो फ्लावरिंग प्लांट्स हो और कुछ पौधे ऐसे लें जो कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हो, उनको सुखाकर और उनको महफूज करके अपनी कॉपी के ऊपर उनको भी चिपकाना है, ठीक है। फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स को, नॉन फ्लावरिंग में कौन आते हैं, मैंने आपको बताया था आपके कोनीफर्स, ठीक है, चीड़ आती है, याद आया नहीं आया, तो आपके फर्न्स वगैरह आते हैं। लेकिन फ्लावरिंग में आप रोज की एग्जांपल ले सकते हो, गुलाब का फूल होता है, ठीक है, आप मटर की एग्जांपल ले सकते हो, पी जिसे कहते हैं। चले आगे, तो क्लासिफिकेशन एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम एनिमल। अब ये जो किंगडम एनिमल है ना बेटा, अब मैं जरा आपको वापस स्लाइड्स पे ले जाता हूँ ताकि आपको बात अच्छे तरीके से, ये तो हमने पढ़ लिया ना और ये भी हमने कर लिया, आप समझ लिया इसको। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, जानवरों की क्या जी क्लासिफिकेशन ग्रुप बनती। अब बेटा देखो, पहले हमने तमाम जानदारों की ऑर्गेनिजम्स की क्या की थी क्लासिफिकेशन की थी, पांच ग्रुप्स में, पांच किंगडम्स में। अब हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास किंगडम एनिमल है, किंगडम एनिमल है, उसके भी दो ग्रुप्स हैं, उसको भी दो बड़े ग्रुपों में तकसीम किया जाता है। किंगडम प्लांट को भी दो बड़े ग्रुपों में तकसीम किया जाता है, एक को फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं, दूसरे को नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं, ठीक है। किंगडम प्लांट इज आल्सो डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, फर्स्ट ग्रुप इज फ्लावरिंग प्लांट्स एंड द सेकंड ग्रुप इज नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, वो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। इसी तरह जो आपके पास किंगडम एनिमल है, उसको भी कितने ग्रुपों में, दो ग्रुपों में, दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, एक को वर्टिब्रेट्स कहते हैं और दूसरे को इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। बात समझ आई है कि नहीं आई? जो किंगडम एनिमल है इसके फिर दो ग्रुप्स बनते हैं, दो क्लासें बनती हैं, समझ आया, इसके दो ग्रुप बनते हैं। एक वो जिनमें रीढ़ की हड्डी हो, है ना, रीढ़ की हड्डी सब में, रीढ़ की हड्डी हो, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, उसकी क्या मिसाल है, सुंडियां कभी देखी है, सुंडी कभी देखी है कि नहीं देखी, भाई कुछ पूछ रहा हूँ, सुंडी देखी है कभी, देखी है ना, जैसे फ्रूट्स के अंदर सुंडियां होती है, होती है ना, उनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, ठीक है, समझ आया नहीं यार। कभी वो कैंचुआ देखा, कैंचुआ जब बारिश होती है सांप की तरह लंबे लंबे निकलते हैं, रेड रेड कलर के, ठीक है, उनमें भी रीढ़ की हड्डी नहीं होती, उसे कहते हैं अर्थवॉर्म, उर्दू में कहता है कैंचुआ और पंजाबी में कहता है गंडोए, सुन रहे हो नहीं सुन रहे, अब आपकी जुबान में पता नहीं क्या कहते हैं, ठीक है, जो भी कीड़े हैं, मतलब आपने कभी देखे जो पेड़ से कीड़े निकलते हैं, लंबे लंबे कीड़े होते हैं, ठीक है, उनके अंदर भी रीढ़ की हड्डी नहीं होती। अच्छा, मक्खी कभी देखी है, मक्खी देखी है, मक्खी में रीढ़ की हड्डी, कॉकरोच ने कभी देखा, लाल बेग कभी देखा, लाल बेग, लाल बेग में भी रीढ़ की हड्डी बोलते, चूटी देखी है कभी, उसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, समझ, तो वो इनवर्टिब्रेट्स में आते हैं, किसमें आते हैं, इनवर्टिब्रेट्स में। वर्टिब्रेट्स में कौन आते हैं, हम इंसान आते हैं, हमारे में, हमें रीढ़ की हड्डी है नहीं है, हॉर्स घोड़े में रीढ़ की हड्डी है नहीं है, गाय में रीढ़ की हड्डी है नहीं है, रैबिट खरगोश में रीढ़ की हड्डी है नहीं है, क्यों नहीं है, है ना, मुर्गी में भी रीढ़ की हड्डी होती है, सुन रहे नहीं सुन रहे, तो वो जानवर जिनमें बेटा रीढ़ की हड्डी होगी उनको वर्टिब्रेट्स कहते हैं, और वो जानवर जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होगी जिसे बैकबोन भी कहते हैं, नहीं होगी, उन्हें इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। अब आ जाओ इधर, वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, एनिमल्स विद बैकबोन, सादा सी बात है, कोई परेशानी की बात नहीं है, उर्दू में कहते हैं फिकारी जानदार, फिकारी, ठीक है, वो आप अगर याद रख सकते हो ठीक है, नहीं तो भाई इनवर्टिब्रेट्स भी कह दो, वर्टिब्रेट्स भी कह दो, बात समझ आ जाएगी, लेकिन समझो चीज को। वर्टिब्रेट्स क्या हैं, एनिमल्स विद बैकबोन आर कॉल्ड वर्टिब्रेट्स। अब आगे मैं क्या बता रहा हूं, करैक्टरिस्टिक्स या खूबियां ऑफ वर्टिब्रेट्स, यानी फिकारी जानदारों की खूबियां क्या हैं। वर्टिब्रेट्स हैव एन इंटरनल स्केलेटन मेड अप ऑफ बोन्स, हमारा हड्डियों का ढांचा होता है, नहीं होता, और हमारे जिस्म के अंदर होता है, हमारे जिस्म के अंदर, तो वर्टिब्रेट्स जो है इनके जिस्म के अंदर हड्डियों का बना हुआ एक ढांचा होता है, होता है ना सबके। बॉडी ऑफ वर्टिब्रेट्स इज डिवाइडेड इंटू थ्री मेन पार्ट्स, जो बॉडी होती है ना किनकी, वर्टिब्रेट्स की, इसके कितने पार्ट्स होते हैं, तीन पार्ट्स, हेड, एब्डोमेन, ये वाला हिस्सा जिसे हम पेट कहते हैं ना, ये वाला हिस्सा, ठीक है,
और उसके बाद टेल होती है, उसकी दुम्बी होती है ना, तो तीन हिस्सों में तकसीम करते हैं वर्टिब्रेट्स की बॉडी को। सुन रहे हो नहीं सुन रहे? और भैंस की टेल होती है कि नहीं होती? अब हम इंसानों की नहीं है तो वो अलग बात है, लेकिन भैंस की टेल होती है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो आगे चलते हैं जी। बॉडी ऑफ वर्टिब्रेट्स इज डिवाइडेड इनटू थ्री मेन पार्ट्स। जो वर्टिब्रेट्स की बॉडी होती है वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। नंबर वन हेड होता है, नंबर टू एब्डोमेन जिसे हम पेट कहते हैं, और नंबर थ्री टेल जिसे हम दुम कहते हैं। ब्रेन ऑफ वर्टिब्रेट्स इज प्रेजेंट विद इन द स्कल। जो दिमाग होता है, ब्रेन कहते हैं दिमाग को, ऑफ वर्टिब्रेट्स जो कि फिकारी जानदार है, इज प्रेजेंट, वो मौजूद होता है विद इन दरमियान में या अंदर द स्कल। किसके अंदर? खोपड़ी के अंदर। स्कल कहते हैं खोपड़ी को। दे हैव ग्रेट एबिलिटी टू हियर। इनके अंदर बड़ी अच्छी अहलियत होती है, ये अहल होते हैं टू हेयर सुनने के, सी देखने के, स्मेल सूंघने के, टेस्ट चखने के, एंड फील और महसूस करने के। ये चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से महसूस कर सकते हैं। इनमें सुनने की हिस बहुत अच्छी होती है, इनमें देखने की हिस बहुत अच्छी होती है, इनमें सूंघने की हिस बहुत अच्छी होती है। कुत्ते में होती है ना सूंघने की हिस बहुत तेज, हम इंसानों में भी होती है ना। टेस्ट चखने की हिस बहुत अच्छी होती है, और फील करना जैसे छू कर चख करना, छूने की हिस भी बहुत अच्छी इनमें मौजूद होती है। द ब्लड सर्कुलेट्स इन द ब्लड वेसल्स ऑफ द बॉडी। याद रखिएगा, जो वर्टिब्रेट्स हैं इनकी बॉडी के अंदर जो खून गर्दश करता है वो खून की नालियों में गर्दश करता है। इसके अंदर क्या होती है? खून की नालियाँ होती हैं जिनके अंदर खून पूरी जिस्म में गर्दश करता है, ठीक है, और बॉडी पार्ट्स को ग़िज़ा भी मुहैया करता है और ऑक्सीजन भी मुहैया करता है, और गंदे मादों को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जाता है। प्रॉब्लम किसी को? द स्किन ऑफ वर्टिब्रेट्स, जो जिल्द होती है ऑफ वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स की, इज कवर्ड, वो दबी हुई होती है। वो किससे? विद स्केल्स, छिलकों से। कभी मछली देखी है? मछली उसके ऊपर छिलके होते हैं? नहीं होते हैं। तो स्किन पे या तो छिलके होंगे और फेदर्स, या क्या होंगे? पर होंगे, ठीक है, और हेयर्स, या क्या होंगे? बाल होंगे। क्या होंगे? इनके जिस्म पे या तो बाल होते हैं, सुन रहे हो नहीं सुन रहे? इनके जिस्म पे या तो बाल होते हैं, या इनके जिस्म पे क्या होते हैं? छिलके होते हैं, या इनके जिस्म पे क्या होता है? हेयर्स होते हैं, बाल होते हैं। ठीक हो गया? ये छिलके होते हैं, पर होते हैं, या बाल होते हैं। प्रॉब्लम किसी को? देखो, अब आपसे ये पूछा जा रहा है ना कि तितली और कबूतर में क्या चीज मुश्तरक है और क्या चीजें मुख्तलिफ है। सुन रहे नहीं सुन रहे? तो ये अब आप कल मुझे बताइएगा ना कि तितली में और कबूतर में कौन सी चीज एक जैसी नजर आ रही है आपको, और कौन सी चीज मुख्तलिफ नजर आ रही है। बेटा कल बात करेंगे ना भी, ठीक है? आगे चले, मैं इंशाल्लाह डिटेल में बात करूंगा, ये नेक्स्ट लेक्चर का टॉपिक है। अब मैं जरा आपको ये बता दूं कि इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं। बहुत छोटा सा एक हमारे पास एक और टॉपिक आ गया हमारा, कि जो डेफिनेशन आपने इसकी की है ना, जहां लिखा विद एनिमल्स विद बैकबोन लिखा हुआ ना, विद के साथ आउट लगा दो तो बन जाएंगे इनवर्टिब्रेट्स। एनिमल्स विदाउट बैकबोन आर कॉल्ड इनवर्टिब्रेट्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, जो खूबियां होती हैं गैर फिकारी जानदारों की, वो क्या है? याद रखिएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स खूबियां ऑफ इनवर्टिब्रेट्स गैर फिकारी जानदारों की, गौर से सुनना। इनवर्टिब्रेट्स हैव ए हार्ड आउटर स्केलेटन। हमारे जिस्म के अंदर हड्डियों का ढांचा होता है ना, हमारे जिस्म के अंदर ढांचा होता है। और बेटा याद रखिएगा, जो इनवर्टिब्रेट्स हैं जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होती, उनके जिस्म के बाहर खोल होता है। हमारे जिस्म के अंदर खोल होता है, उनके जिस्म के बाहर इनका बैरूनी ढांचा होता है। इनका कभी मकड़ी को देखा नहीं, उसको चींटी को देखा? उसका सर बाहर से सख्त होता है, बाहर से, अंदर से नहीं। उनका गोश्त बाहर नहीं होता, गोश्त अंदर होता है। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो इनका आउटर स्केलेटन होता है, हमारा इनर स्केलेटन है। समझ आ गया? तो दे हैव ए हार्ड आउटर स्केलेटन, इनके जिस्म के बाहर खोल होता है। ठीक हो गया? सख्त खोल। बेटा सांप वर्टिब्रेट्स में आता है। सांप किस में आता है? वर्टिब्रेट्स में आता है, ठीक है। सांप का सर देखा कितना सख्त होता है, उसमें हड्डियां होती है। आगे चले आप, तो मछली में देखो हड्डी होती है, होती है नहीं होती, कांटे शांटे। तो आगे देखते हैं, द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ इनवर्टिब्रेट्स इज ऑफ डिफरेंट टाइप। जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है, बॉडी कहते हैं जिस्म को, स्ट्रक्चर कहते हैं साख्त को। जो जिस्म की बनावट होती है ऑफ इनवर्टिब्रेट्स गैर फिकारे जानदारों की, इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स, ये मुख्तलिफ किस्म की हो सकती है। सम आर फ्लैट, कुछ क्या होते हैं? चिपटे होते हैं, कुछ फ्लैट होते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको चीज अच्छे तरीके से समझ आ जाए, ठीक है?
ये फिश की आपको एग्जांपल दे रहे हैं, फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, देखिए मेरी बात सुनते जाए आप। ये देख रहे हैं आप, ये देख, ये देख, ये क्या है, ये फ्लैट वॉर्म है, ये भी इंसान के जिस्म के अंदर होता है। ये राउंड वॉर्म है, इसे मलप कहते हैं। अर्थ वॉर्म कैंचुआ, जो बारिश का मौसम हो तो ये जमीन से निकलता है, इसे अर्थ वॉर्म कहते हैं। अब बात समझ आई, कुछ फ्लैट है, कुछ फ्लैट है। हाँ देखो ना, इसको देख लो पहले, ये देखो फ्लैट चिपटा ऐसा ही है ना। तो यही तो मैं कह रहा हूँ आपको कि कुछ फ्लैट होते हैं, कुछ राउंड होते हैं, और कुछ किसकी कुछ की बॉडी सेगमेंटेड होती है। अब सेगमेंटेड बॉडी से क्या मुराद है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। देखो इनके जिस्म में कट्स हैं, होते हैं ना कट लगे हुए जिस्म के अंदर, ठीक है। तो कतादार जिस्म होते हैं इनके, किन के, ये देख रहे हो कुछ की शेप स्टार लाइक है, देख रहे हो ना। इनकी कुछ की बॉडी में कट्स होते हैं, आप चींटी को देख लें, उसके जिस्म में भी कट्स होते हैं, होते हैं कि नहीं होते हैं, होते हैं ना बेटा। तो ये स्पॉन्जेस आएंगी आगे, वॉर्म्स आएंगे, ठीक है, तो उनको देखेंगे हम लोग। तो कुछ की बॉडी फ्लैट होती है, कुछ की राउंड होती है, कुछ की सेगमेंटेड बॉडीज होती है। द बॉडी पार्ट्स ऑफ इनवर्टिब्रेट्स आर डिफरेंट इन डिफरेंट ग्रुप्स। अब याद रखिएगा, जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, जो जिस्म के हिस्से होते हैं ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, किन के, इनवर्टिब्रेट्स के, आर डिफरेंट, ये मुख्तलिफ होते हैं इन डिफरेंट ग्रुप्स, मुख्तलिफ ग्रुप्स में। हम इनवर्टिब्रेट्स के भी 5 ग्रुप्स को पढ़ेंगे और वर्टिब्रेट्स के भी कितने ग्रुप्स को पढ़ेंगे, 5 ग्रुप्स को। अब इनवर्टिब्रेट्स के भी आगे 5 ग्रुप्स हम पढ़ेंगे, ठीक है, और वर्टिब्रेट्स के भी 5 ग्रुप्स पढ़ेंगे, जिनके नाम इंशाल्लाह मैं कल आपको अपने लेक्चर में बता दूंगा, और हम वन बाय वन हर ग्रुप की खसूसियात को स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।